एशिया कप 2022 के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। पहले मुकाबले के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। एशिया कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है, जहां पर भारतीय टीम में कई शानदार खिलाड़ियों को मौका मिला है। टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली की वापसी हुई है, तो साथ ही केएल राहुल भी टीम में वापसी कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारतीय टीम की पूरी स्क्वाड तो बताएंगे ही कि आखिरकार किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला, साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारतीय टीम का पहला मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा, कैसे आप उसे लाइव देख सकेंगे। इसके अलावा हम आपको बताने वाले हैं पहले मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक, और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, एशिया कप के महा मुकाबले के लिए टीम इंडिया का पहला ही मुकाबला पाकिस्तान से होना है, जहां पर टीम इंडिया पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरेगी और इस पहले ही मुकाबले को जीतकर यहां पर टीम इंडिया एशिया का किंग बनने का दावा ठोक सकती है। वैसे एशिया कप सबसे ज़्यादा टीम इंडिया ने ही जीता है, अब तक 7 बार एशिया कप पर कब्जा जमा चुकी टीम इंडिया 8वां खिताब भी अपने नाम करने के लिए मैदान पर उतरेगी। फिलहाल देखा जाए तो टीम इंडिया के पास कई दमदार खिलाड़ी मौजूद है जो काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, खास करके यहां पर कप्तान रोहित शर्मा, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है, जबकि हार्दिक पांड्या का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस भी टीम इंडिया के लिए काफ़ी शानदार रहा है। ऐसे में अगर एशिया कप में भी टीम इंडिया शानदार परफॉर्मेंस करती है तो फिर उनके लिए यहाँ पर शानदार टूर्नामेंट अपने नाम कर सकती है। वहीं पर दोस्तों, हम बात करें भारतीय टीम के खिलाफ खेलने वाली पाकिस्तान की टीम की, तो उनके पास भी दमदार खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। नंबर 1 T20 बल्लेबाज बाबर आजम भिड़ने वाले हैं टीम इंडिया से। इसके अलावा यहां पर बाबर आजम के अलावा टीम में तेज गेंदबाज साइंस अफरीदी भी टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं। तो वहीं पर इसके अलावा बाबर आजम के अलावा भी यहाँ पर इस टीम के पास मोहम्मद रिजवान है, जो कि काफ़ी शानदार फॉर्म में हैं और बेहतरीन T20 प्लेयर हैं। तो इनके अलावा फखर जमान और इमाम उलक भी टीम इंडिया को यहाँ पर शानदार चुनौती दे सकते हैं। गेंदबाजी में भी इस टीम के पास कई शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं। टीम में शादाब खान है, जो कि वॉइस कैप्टन है, वो भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान की टीम के पास भी कई शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं, जो टीम इंडिया के सामने यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। यानी कि दो मजबूत टीमें एशिया कप में जब एक दूसरे के सामने भिड़ेगी तो यहाँ पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड की। तो दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से यहां पर कैप्टनी करते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा, तो टीम के वॉइस कैप्टन है केएल राहुल। इसके बाद दोस्तों, नंबर 3 पर यानी कि तीसरे खिलाड़ी विराट कोहली है, तो वहीं पर चौथे खिलाड़ी के तौर पर सूर्य कुमार यादव मौजूद है। पांचवें खिलाड़ी दीपक हुड्डा है, तो छठे खिलाड़ी ऋषभ पंत है, जबकि सातवें खिलाड़ी दिनेश कार्तिक है, तो आठवें खिलाड़ी हार्दिक पांड्या है, नौवें खिलाड़ी रविंद्र जडेजा है, तो दसवें खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन है, जबकि ग्यारहवें खिलाड़ी के तौर पर यजवेंद्र चहल है, तो बारहवें खिलाड़ी के तौर पर रवि बिश्नोई है, तेरहवें खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार है, तो चौदहवें खिलाड़ी अर्शदीप सिंह है, जबकि 15वें खिलाड़ी के तौर पर आवेश खान को टीम में जगह दी गई है। जबकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहां पर दीपक चहर और सरेश अय्यर इस टीम के बैकअप के तौर पर मौजूद रहेंगे। वहीं पर अब एशिया कप के इस स्क्वाड के बाद अब प्लेइंग 11 की हम बात करें तो दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और केएल राहुल पारी की शुरुआत करेंगे, दोनों कैप्टन और उप कैप्टन पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। जबकि दोस्तों, नंबर 3 पर हमें विराट कोहली दिखेंगे, तो नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव दिखने वाले हैं, नंबर 5 पर ऋषभ पंत दिखेंगे, तो नंबर 6 पर हमें टीम इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए काफ़ी शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। तो नंबर 7 पर फिनिशर के तौर पर हमें दिनेश कार्तिक दिखने वाले हैं, जो कि एक बेहतरीन फिनिशर के तौर पर खेलते हुए दिखेंगे और उम्मीद करते हैं कि यहां पर उनका बल्ला जम कर बोलेगा। तो वहीं पर नंबर 8 पर हमें रविंद्र जडेजा दिखने वाले हैं। तो वहीं पर दोस्तों, नंबर 9 पर हमें दिखेंगे भुवनेश्वर कुमार, तो नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह उतरेंगे, जबकि नंबर 11 पर हमें खेलते हुए दिखेंगे आवेश खान। यानी कि देखा जाए तो टीम इंडिया की यहां पर स्क्वाड काफ़ी शानदार नजर आ रही है और प्लेइंग 11 भी काफ़ी मजबूत है। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार जसप्रीत बुमराह को मौका क्यों नहीं मिला। तो जसप्रीत बुमराह फिलहाल चोटिल है, जिसके चलते उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई है। साथ ही यहाँ पर यजवेंद्र चहल टीम इंडिया का हिस्सा है, तो वो आवेश खान और यजवेंद्र चहल यहाँ पर दोनों में से कोई एक हमें खेलता नजर आएगा। जिस प्रकार की पिच होगी वैसे यहां पर स्पिनर या फिर तेज गेंदबाज का फैसला होगा। वहीं पर दोस्तों, यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 पर खेला जाएगा 28 अगस्त को। तो दोस्तों, क्या लगता है कौन जीतेगा इस मुकाबले में, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।